गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 30 जनवरी 2024 है और शिफ्ट वन के बच्चे एग्जाम देकर बाहर निकल चुके हैं और काफी बच्चे घर भी पहुंच चुके होंगे। उनसे बात करने के बाद जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं उसका सलूशन देना भी बेटा हमारी एक जिम्मेदारी है और एक मॉरल ड्यूटी भी है, जिसको लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ स्मार्ट अचीवर की प्लेटफॉर्म पर। जो क्वेश्चन बेटा आए हैं आज के पेपर सेट्स में, शिफ्ट वन में, उनको देखकर तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप आईआईटी मेन का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, जैसा कि पिछले दो दिनों में आपने देखा होगा, काफी इजी क्वेश्चंस आए हैं और उनके सॉल्यूशन बहुत इजी हैं। इतना लो लेवल शायद ही आज के पहले कभी हुआ होगा। बट हाँ, पेपर को देख के लगता है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी और मन से पढ़ी और अच्छे से तैयारी करी है तो शायद, मुझे लगता है हर बच्चा, या यूं बोलूं ऑलमोस्ट 25 में 25 करके ही निकला होगा। इससे कम पे तो बात ही नहीं बनती है। आइए हम आपको इसका सलूशन देते हैं जो क्वेश्चंस हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द स्पीसीज इन्वॉल्वड इन द बैलेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन में, बैलेंस इक्वेशन में जो भी स्पीशीज इन्वॉल्वड है बेटा, हमें उनके टोटल नंबर ऑफ कोफिशिएंट बताने हैं। तो होता बेटा क्या है, जब हम परमैंगनेट को, हम बात करते हैं यहां पर, जब हम परमैंगनेट आयन को आयोडाइड में ऐड करते हैं इन एल्कलाइन मीडियम, तो हमारे पास बच्चों बनता है MnO2 प्लस 2OH माइनस आयन प्लस IO3 माइनस। ये बेटा हमारे पास रिएक्शन है। परमैग्नेट को जब आप आयोडाइड के साथ एल्कलाइन मीडियम में ऐड करेंगे तो MnO4 माइनस का रिडक्शन MnO2 में होता है, जबकि I माइनस का ऑक्सीडेशन IO3 माइनस 1 में होता है। अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो आपको भी लग रहा होगा इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैग्नीज के 2 आइटम हैं, उधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन टोटल 8 यहां पर है कि 9 होती है। अगर हम इधर देखें 3+2 5 एंड 5+4 9 होते हैं। इसी तरह बच्चों, आयोडीन के 1 एटम है, उधर भी 1 एटम, मतलब टोटल इक्वेशन हमारी बेटा जो है वो बैलेंस है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अब अगर हम इस बैलेंस इक्वेशन में सम ऑफ कोफिशिएंट फाइंड करें तो देखिए यहां पर टोटल कोफिशिएंट क्या होगा, टोटल कोफिशिएंट ये 2 हो गया प्लस ये 1 है प्लस यहां भी बेटा 1 है प्लस यहां 2 है, यहां पर 2 है एंड देन 1 है। टोटल बेटा हमारे पास होते हैं 2, 2, 4, 2, 6 प्लस 3, 9। हमसे कहा गया है फाइंड आउट द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द बैलेंस इक्वेशन। तो इस पूरे इक्वेशन में जितने भी स्पीशीज इन्वॉल्वड हैं उन सभी को बैलेंस करने के बाद जो बेटा इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और इन सभी कोफिशिएंट का जो सम होगा बच्चों वो 9 होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जब हम बेंजीन में नेफ्थलीन को ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। बेंजीन और नेफ्थलीन मिलकर बेटा एक आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, और इसलिए जब आप नेफ्थलीन को बेंजीन में ऐड करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है, ये उसके सरफेस का कुछ स्पेस एक्वायर करेगा, जिसकी वजह से बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा यहां पर, पहले के कंपैरिजन में जब ये प्योर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मड व्हेन 2s एंड 2p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड। अगर हम बेटा 2s एंड 2p को मिक्स करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो 4 बनते हैं, और ये चारों बेटा बिलोंग करते हैं sp3 को, क्योंकि s सबशेल में 1 ऑर्बिटल होता है जबकि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो मैक्सिमम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है, और इन 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से
चार नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो आई होप कि सबने यही आंसर लिखा होगा, कुछ और नहीं लिखा होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन बच्चों आते हैं। कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल है बेटा, फाइनल लिखा है एरर, हमें फाइनल प्रोडक्ट ए बताना है। कंडीशन क्या है कि ब्रोमोबेंजीन को इस कंडीशन में पास किया गया। कैसे करेंगे देखिए आप, ये ब्रोमोबेंजीन है, इसको पहले बेटा ऐड करेंगे मैग्नीशियम के साथ ईथर मीडियम में, ये ग्रिग्नार्ड बन जाता है MgBr, ये बन गया पर। इसके बाद इस MgBr को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को पास करते हैं CO2 में, एंड आफ्टर दैट वी डू हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। यहां से बेटा बनता है बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड बनता है। इसके बाद बेंजोइक एसिड को अमोनिया में ऐड करते, लिक्विड अमोनिया बाय एक्शन ऑफ हीट, यहां बेटा बनता हमारे पास बेंजामाइड। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा और अक्सर पढ़ा होगा, मोस्ट कॉमन इक्वेशन है बेटा ये। और जब हम बेंजामाइड को ऐड करते हैं बच्चों, किसमें ऐड करते हैं, ये हम ऐड करेंगे हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। ये हॉफमैन ब्रोमो एमाइड रिएजेंट है, रिएक्शन है। और इसमें बेटा क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एल्कली में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट। जबकि ब्रोमीन एल्कली में डिसॉल्व होकर बनाती है बच्चों NaBr, और हमारे पास क्या बनता है, एनिलीन, साथ में वाटर भी बच्चा बनेगी इसमें। ये तरीका होता है, मतलब आपसे जो फाइनल प्रोडक्ट बेटा पूछा गया है वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा है एनिलीन। क्या है बच्चों, एनिलीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट, जो कि नहीं है फिर भी मुझे अभी मिला है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। आपको चार स्ट्रक्चर दिए गए बेटा, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा बेटा ये है, DCBA। चारों में पूछा गया है कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इन चारों को गौर से देखें तो ये तो एलिसाइक्लिक हो गया, ये हो गया पर, ये क्या है, अनसैचुरेशन विद कॉन्जुगेशन एरोमेटिक, ये क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक, और ये बेटा है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ चुकी है, नॉन एरोमेटिक। और अगर इन चारों में बेटा कंपेयर किया जाए तो जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अगर किसी की होती है तो वो है बेटा एरोमेटिक की। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन बी होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आज के एग्जाम में पूछा गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि GOC को बेसिकली बिलोंग करता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है वो कुछ ऐसा था बेटा, इसमें यहां पर क्लोरोबेंजीन कुछ ये दिया गया था और इसको पास किया गया था हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और बना था बेटा हमारे पास C डबल बॉन्ड H+HCl। अब मुझे लगता है ये इक्वेशन तो सभी को पता होगी, इसका नाम पूछा गया है, इस रिएक्शन का नाम क्या है। तो पहली चीज, क्योंकि यहां पर अगर आप इसको गौर से देखिए तो यहां पर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है जिसे हम रिडक्शन कहते हैं। एक चीज सबको क्लियर होगी कि ये रिडक्शन है। दूसरी बात, इस कंडीशन को देखकर सबको मालूम हो गया होगा इस रिडक्शन को हम कहते हैं क्या बच्चों, रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पेपर में आए थे, अभी हम कुछ और क्वेश्चन बेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ उसके उन क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने फिर से प्रेजेंट होते हैं। तब तक आप इसको देखिए, समझिए और एनालाइज करिए कि इस बार का जो एग्जाम है वो सिर्फ नॉलेज बेस नहीं है,
ये कंटेंट बेस है, आईक्यू बेस है, हर चीज का बेटा टेस्टिंग है इसमें। यहां पर कहीं पे नॉलेज पूछी गई है, कहीं पर स्किल्ड पूछी गई है, ठीक है, कहीं पर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ चेक किया गया है। तो सब लोग इसको देखिए, जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं, एग्जाम देने जाने वाले हैं, मुझे लगता है उनके लिए काफी एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सेशन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले दो दिनों से और आज भी फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं। ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट शिफ्ट में भी ऐसे ही आएंगे और आप सभी लोग अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।